कोरोना से निपटने के लिए यूं तो पूरी दुनिया में प्रयास चल रहे हैं और तमाम बड़े देश कोरोना की वैक्सीन के ट्रायल में लगे हैं ताकि दुनिया को इस महामारी से छुटकारा मिल सके। वहीं बागपत में एक धर्म गुरु ने कोरोना पर विजय पाने के लिए अध्यात्म का सहारा लिया और अन्न त्याग कर कठिन साधना में जुट गए। इस धर्म गुरु ने गुप्त नवरात्र में कोरोना को भगाने का संकल्प लेते हुए अपने सर पर जो बोल लिए थे। धर्म गुरु का कहना है कि वे अपनी साधना और तपस्या जब तक जारी रखेंगे जब तक देश को कोरोना से मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको बता दें बागपत के तित्रोदा गांव में बाहर माता काली देवी का मंदिर है जिसके महंत शेरगिरी जी महाराज हैं जिन्होंने कोरोना को अध्यात्म और साधना के बल पर भगाने का व्रत लिया है। आपका नाम? सुरेंद्र कुमार शर्मा जी। सुरेंद्र जी, काली मंदिर में आप आए हैं, यहाँ के महंत ने एक प्रण लिया है कोरोना के प्रति, क्या है ये मामला? कोरोना के प्रति जी कोरोना भगाना, इनका कोरोना भगाना और अपने सर पर जो बोने इसी का इन्होंने प्रण लिया था कि इसमें कोरोना भाग जा। अच्छा, इन्होंने कोरोना भगाने के लिए पहले भी कुछ तपस्या की थी, क्या था? छः महीने पहले इन्होंने करा था जी, वो अंत्यागन कर रखा छः महीने से अंत्याग किया। हाँ जी, हाँ। राजकुमार जी, आज काली के मंदिर में यहाँ कीर्तन चल रहा है, यहाँ के महंत ने अपने सिर पे जौं बोए हैं जी, हाँ, आप लोग भी कीर्तन में आए हैं जी, आपको क्या लगता है क्या है? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जी कि जो महाराज शेरगिरी जी हमारे यहाँ मंदिर में रह रहे हैं, माँ काली के मंदिर में, हमारा गांव तित्रोदा है। और जी इन्होंने अपने सिर पे गुप्त नवरात्रि चली हुई है जी, अब तो इन्होंने गुप्त नवरात्रि में अपने सिर पे जौं बोए हैं और वे जम के काफ़ी बड़े हो रहे हैं। इनका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे देश में इस टाइम कोरोना की बहुत बड़ी आपदा है, समस्या बहुत बड़ी है, तो इनका ये विचार है और हम सभी का ही विचार ये है, प्रार्थना करते हैं माता रानी से कि माता रानी इस बीमारी को हमारे देश से जड़मूल खत्म हो जानी चाहिए, इससे सभी हमारे देश में सुख शांति और मंदिर में सुबह शाम यहाँ कीर्तन होती है, आरती वगैरह चलती है जी, पूजा पाठ होती है और महाराज जी का ये 14 को उद्यापन है इसका, और जो 14 में इनका भंडारा वगैरह भी होगा। मेरा नाम श्री शेरगिरी जी है, मेरे गुरु जी का नाम जालिमगिर जी। शेरगिरी जी, आप महंत हैं यहाँ काली मंदिर में, आपने अपने सर पे जौं उगाए हैं, क्या प्रयोजन है इसका? इसका प्रयोजन ये है कि मैंने ये पहली, अब के गुप्त नोट तो मैं पहली बार इसलिए अपने सर पर जो उगाए हैं कि हमारे देश में जो ये आपदा आ रही है कोरोना की, मैं माँ से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे माँ, इतने ये आपके गुप्त नोट रहें, इतने आप इस कोरोना का भी ख़त्म कर दें। किस दिन आपने अपने सर पर जौं बोए थे? ये हमने मावस से एक दिन पहले 14 में बोई थे जी। इसका उद्यापन कैसे करेंगे आप? इसका उद्यापन माँ का 14 में ही होगा, मैं संत और भक्तों सहित भंडारा किया जाएगा। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन